हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन इंडियन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रमन इंडियन में। दोस्तों, कल के डेट में 1/6/2022 में आरआरबी सिकंदराबाद के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, और यह लेटर वेटिंग कैंडिडेट छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आरआरसी सिकंदराबाद ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की है, और यह अपडेट इतनी बड़ी है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यह आप लोगों के लिए आरआरसी सिकंदराबाद के कैंडिडेट के लिए यह जारी किया गया है। मैं उन सभी कैंडिडेट को बधाई देता हूं जिनका रोल नंबर इसमें शामिल होगा। तो आइए देखते हैं क्या है यह लेटर में। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है CN 1/2018, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 14/5/2022 को एक रेल मंत्रालय के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था, और उसमें बताया गया था कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट जिस बोर्ड में हैं उन सभी का वेटिंग, चाहे वो एडिशनल पैनल के रूप में हो चाहे वो रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में हो, उनका क्लियर कर दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरआरसी सिकंदराबाद के GM साहब ने अपना लिस्ट बनाकर भेजा था, और उस पर अप्रूवल मिल गया। यहाँ लिखा हुआ है, द फॉलोइंग स्टैंड बाय कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ALP एंड वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे। यानी कि यह जो जारी किया गया है, यह पैनल जो जारी किया गया है, यह दो जोन से है, एक है SCR और एक है ECOR, यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। तो चलिए सबसे पहला कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी नंबर दो। यह ALP के लिए है, और यह SCR जोन से क्लियर किया गया है। इसमें 33 कैंडिडेट का पैनल बनाया गया है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं कैटेगरी नंबर 25 में, जो कि टेक्नीशियन थर्ड यानी कि CNW SCR जोन के थ्रू आता है ये, और इसमें 10 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया गया है। इसी तरह कैटेगरी नंबर 31 जो कि टेक्नीशियन थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल के थ्रू आता है, और ये SCR जोन से है, इसमें 4 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया गया है। इसी तरह कैटेगरी नंबर 34 है, टेक्नीशियन थर्ड डीजल मैकेनिकल थ्रू आता है ये, यह भी SCR जोन से है, इसमें 9 विद्यार्थी का वेटिंग क्लियर किया गया है। इसी तरह कैटेगरी नंबर 44, कैटेगरी नंबर 49, कैटेगरी नंबर 50 और कैटेगरी नंबर 51, इसमें एक एक कैंडिडेट का पैनल बनाया गया है। उसी तरह कैटेगरी नंबर 52 में इसमें 2 कैंडिडेट का पैनल बनाया गया है, और कैटेगरी नंबर 54 में टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल TRS के थ्रू आता है ये, यह SCR जोन से है, इसमें 10 कैंडिडेट का पैनल बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। जो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं रेलवे संबंधित कोई भी जानकारी आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँ। उसी तरह हम लोग बात करते हैं कैटेगरी नंबर 62 की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह टेक्नीशियन थर्ड फिटर से है, और ये SCR बोर्ड से लिया गया है। दोस्तों, उसी तरह हम लोग कैटेगरी नंबर 66 की बात करते हैं, इसमें 11 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो SCR जोन से बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कैटेगरी नंबर 134। कैटेगरी नंबर 134 से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि देख रहे हैं आप लोग, 101 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि किनका किनका वेटिंग क्लियर हुआ है, मुझे बहुत खुशी होगी। उसी तरह कैटेगरी नंबर 136 में 31 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया गया है। उसी तरह कैटेगरी नंबर 1 से, जो कि लोको पायलट के लिए है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के जोन के थ्रू यह जारी किया गया है, इसमें 9 विद्यार्थी का पैनल बनाया गया है। इसी तरह सारे कैटेगरी हैं, आप लोग जाके वेबसाइट पर देख लीजिएगा। उसके बाद लिखा गया है, फर्दर एक्शन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑफ SCR एंड ECOR आफ्टर फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यानी कि जितने भाइयों का वेटिंग क्लियर किया गया है, जितना का पैनल बना गया है, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपसे आग्रह है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट को एक बार पुनः चेक कर लें,
अपने अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, सिग्नेचर, पिताजी का नाम सबको मिला लेता कि वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो, और आप अपने साथ सभी दस्तावेज ओरिजिनल और उनके दो दो छाया प्रति कॉपी फ़ोटो कॉपी करा के लेके जाइएगा, और अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को भी रख लीजिएगा 4-5, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत आपको ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद ये समय आया है आप लोगों के लिए जो आप लोगों का वेटिंग क्लियर होने जा रही है। इसलिए किसी भी प्रकार का मौका रेलवे को ना दे, ताकि वो आपका किसी भी तरह से पेंडिंग रख दे। इसलिए दोस्तों दो बार तीन बार जितनी बार भी हो सके अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट को मिला ले, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और अंतिम में यह एक इम्पोर्टेंट निर्देश जारी किया गया है, दिस रिजल्ट इज़ प्रोविजनल एंड डज नॉट इन एनी वे गिव एनी राइट टू द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। यानी कि यहाँ पर यह लिखा गया है कि किसी भी तरह का अधिकार कैंडिडेट को नहीं है कि वह रेलवे पर अपना दावा कर सके। ऐसा हर एक सर्कुलर में देखने को मिलता है, यह तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा लिखा हुआ रहता है, क्योंकि सारे अधिकार रेलवे अपने पास सुरक्षित रखता है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी इतनी थी, मैं फिर आपसे एक नए टॉपिक पर मिलूँगा। तो जो जो कैंडिडेट का पैनल बनाया गया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी, और सभी को मैं अपने दिल से बधाई देता हूँ, ताकि आप लोगों का वेटिंग क्लियर हो गया है, और जल्दी से भगवान करे सब कुछ क्लियर होने के बाद आप लोग जल्दी से ज्वाइनिंग करें और अपने खुशियों को बढ़ाएं, अपने माता पिता की सेवा करें। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, जय हिंद।